पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भारतीय क्रिकेट टीम में बहुत कुछ किया है। एक जाना माना चेहरा है, बहुत रन्स बनाए हैं, बहुत ट्रॉफी जीती हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम युवराज सिंह नहीं बल्कि उनके पिता योगराज सिंह की बात करने वाले हैं। दरअसल युवराज सिंह ने एमएस धोनी और कपिल देव को जमकर खरी खोटी सुनाई है। युवराज सिंह का कहना है कि वो एमएस धोनी को कभी माफ नहीं करेंगे। इसके अलावा युवराज सिंह ने भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान कपिल देव के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब युवराज सिंह ने एमएस धोनी को लेकर कुछ उल्टा सीधा कहा हो। इससे पहले भी उन्होंने कई मौकों पर एमएस धोनी पर निशाना साधते हुए बहुत कुछ कहा है। एक इंटरव्यू में युवराज सिंह ने कहा कि एमएस धोनी को कभी माफ नहीं करूंगा, उन्हें आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। वो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन उसने जो मेरे बेटे के साथ किया है वो सामने आ रहा है। इसे जिंदगी में कभी माफ नहीं किया जा सकता। मैंने जिंदगी में कभी दो काम नहीं किए, जिन्होंने मेरा बुरा किया उन्हें माफ नहीं किया, और दूसरी बात उन्हें कभी गले नहीं लगाया, फिर चाहे वो मेरे घर वाले हो या फिर मेरे बच्चे ही क्यों ना हो। बेटी युवराज सिंह को लेकर कहा, उस आदमी यानी कि एमएस धोनी ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, जो 5 साल और खेल सकता था। मैं चुनौती देता हूं कि युवराज सिंह जैसा बेटा पैदा करके दिखाओ। यहां तक गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा है कि युवराज सिंह जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। कैंसर के बावजूद भी देश के लिए वर्ल्ड कप जीता, इसके लिए उसे भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। इसके अलावा कपिल देव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि महान कप्तान कपिल देव को मैंने बोला, वो हाल करके छोड़ूंगा कि दुनिया तुझ पर थूकेगी। आज युवराज सिंह के पास 13 ट्रॉफी हैं और तेरे पास सिर्फ एक ही है, बात खत्म। आपको बता दें कि भारतीय पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह पर फिल्म भी बन रही है, उनकी बायोपिक का ऐलान कुछ वक्त पहले ही हो चुका है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही तमाम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स लाइफ।